ई का कहतरी का भइल बा शुरू से पूरा मामला बताओ। यहाँ पर तीन गो पुलिस भोजपुरी बोले लो भोजपुरी में बोलो। तीन गो पुलिस अल हन लोग और घुस गए हन लोग डायरेक्ट घर में। घर में कोई जो जेंट्स ना रहल वही में घुस के कहते रहन लोग दारू के रेंट में आयल बनी जा। घुस के एगो हमनी के घर में मेहमान आयल वही तरी उनका के कलन जब आप घर में लेडीज बड़ी लोग तो डायरेक्ट कहें घुस ला लोग लेडीज मेहमान के खालू लगी हन हम लोग के खालू मैंने वो बहन वही लोग लगे हैं उनके बहनों ही लोग आए हैं। हम रेंट खानों के मेहमान के तौर पे पटना से आए लोलन काठी में नौकरी कर बीएमपी में। अच्छा क्या नाम रहे उनका? जाकिर हुसैन। जाकिर हुसैन कहाँ के रहने वाले? वो लोग रहने वाले हैं यहाँ के मलियाबाग से आगे। अच्छा तो ये मेहमान के तौर पे? हाँ मेहमान के तौर पे। 3 बजे उनका गाड़ियो रहा आज घटना गाड़ी तीन गो पुलिस आन लोग हमनी के बोले लगल हन लोग घर में घुस के कल आन लोग हम लोग आए हैं चेक इन में हमारे चेक कर दारू के। अच्छा। दारू वो घड़ी हमनी के घर में कुछ ना रहा ला। जब कल हम चलिए बाहर निकलिए घर में लेडीज बड़ी लोग तो कैसे आप घुस गए ला कोई रेंट वेरेंट ले गए तो कहते ना कुछ नहीं खी लेके आई नहीं लेडीज फोर्स उस टाइम नहीं खेल तो एगो सिर्फ से पकड़ेला ना दू गो फरार हो गए हन लोग वही में कहते रहे रेफर ना बुझनी जैसे ई धसरा धसरी हो। हाँ धसरा धसरी में दू गो फरार हो गए हन लोग एगो पकड़ा गए हन एगो माने ई धसरा धसरी भइल त एकर मतलब 2-4-10 गो लोग जुट गए। हाँ पूरा मोहल्ला में आदमी जुट गए पूरा ठक ठक आदमी रहल चला के बाद एकर बाद जोन बीएमपी के बारे उ लगलन कहे बात के कि तू लेडीज से काहे नहीं खेले के आई में धनसुरा धनसुरी चल तब तक दू जना भाग गेले दू जना हट गेलन लोग आ उ रह गेलन एक जना एक जना पकड़ाइलन तो थोड़ा देर मारपीट भइल तो ओ में कहतन कि हमर बंदूक गिर चुकल बा जरे। अच्छा उ कहतन कि हमर बंदूक गिर गेल हम लोग ना देखनी है जना निकल ले बनी जा उ लोग भीड़ में का भइल पता नहीं ना उ का में का हमनी के मालूम नहीं खे ओ में ओकर बाद थोड़ा देर में 10 गो और प्रशासन आइल घर में लेलन लोग समझावत रहन फिर 10 गो प्रशासन सिविल ड्रेस में सब सिविल ड्रेस सब सिविल ड्रेस जैसे है सब वो सही आ गया। अच्छा जैसे जैसे जो जैसे है सिविल ड्रेस में हाँ, ओसी ड्रेस में आ गए अल के बाद समझाए लगल हम लोग कहते ले ले बड़ो लोग तो दे दल हमने के ले ले ही नहीं किया पिस्तौल। हाँ कहते ले ले बड़ो लोग तो दे दल तो हम लोग ले ले रहे तब न डर रही ले ले ही नहीं जा तो वही समझौता करत करत में 6 गो लेडीज पुलिस आ गई। हाँ लेडीज पुलिस आई तो पूरा मार पुलिस होला के बाद पूरा मारा पीटी रोड पे घसीट पुलिस आते ही मार। हाँ पूरा एगो को तो पूरा घसीट के ले गई जो ना उनका लेडीज उनका तो जो मेहमान मिल जैसे पूरा घसीट के ले गई औरत भी थी। हाँ उनको घसीट के उनका 5 गो बच्चा है। अच्छा। उनको घसीट के एकदम नाइटी पे ले गई अभी नाइटीए पे थाना पे। हाँ छोटा पकवार के फिर जेका घर आकरो को झोटा पकड़ के ले गई गुड्डू खान के। अच्छा उनको उनका वाइफ के ले गए उनका तो बाहर है। अच्छा उनको वाइफ के ले गए लो फिर हमको भी ले गई लोग वहाँ पर मारी लोग धमकाई लोग ना बोलबे तोरे को सकारे के बाद। हाँ मेरे संग भी मारपीट हुआ है मेरे को भी मारपीट किया है लोग थाना में। अब वो पचाए लोग कह रहे हैं कि आप रेंटर है तो छोड़ देना आपको बच्चा है इसीलिए हमको 3:30 बजे ला के छोड़ा है सुबह में आज सुबह में कल रात भर थाना में रह अभी कई लोग थाना में अभी थाना में 8 आदमी है मेरे हस्बैंड लेकर घर के मेहमान लोग लेकर और मोहल्ला का लड़का लेकर बिस्मिल्ला अंसारी कहाँ के रहे वाला बक्सर के तो उनको के लेकर पुलिस। हाँ उनको रोके पुलिस ले गए केकरा केकरा के लिए नाम बता दो 8 आदमी के। 8 आदमी के नाम है एगो जाकिर हुसैन एगो इशरत बानो एगो नसरत एगो नसीमा बानो एगो बिस्मिल्ला अंसारी एगो जाबिद खान जाहिद जाहिद खान। पुलिस तो कहती है कि हथियार तोहरे लोग रख ले ना हम लोग रख ले नहीं गए जितना जबरदस्ती बुलवा रहे लोग हम लोग मार भी खा लिए हम लोग आदमी से बढ़ के है वो रख के क्या करेंगे उससे सोना चांदी मिल रहा है मिठाई है मिलेगा हम लोग को तो मार मार के हुआ लग। मुख्य बात ये है कि आप लोगों के यहाँ जब पुलिस आई पहली बार उस समय शराब मिला था? नहीं उस टाइम नहीं मिला था 1:30 बजे रात को मिला जब जिसका घर है ना उसको लाया गया कह रहा चल तू अपने घर में खोज गन गुड वाइफ को उनकी वाइफ को वो नहीं है वो बाहर है लेला के बाद उनको यहाँ बैठाया गया वो तो कह रही है जाने के बाद पूरा आँख उखली लगा हमको जेंट्स पुलिस भी मारा है लोग किसको इशरत खान को मकान मालिक की। हाँ लेडीज जेंट्स दारू कहाँ मिला? दारू लाइटिंग में मिला कौन लाइटिंग में यही लाइटिंग में
चिमकी में बना फ्रूटी टाइप के हम लोग देखे नहीं है वो लोग क्या कर रहे हैं लोग क्या फंसाने के जगह कुछ भी कर सकते हैं क्या लगा था पुलिस मैंने क्या कर सके कुछ भी कर सकते हैं जब इतना हम लोग गिरा रहे टॉर्चर कर रहे हैं मार रहे हैं लोग तो कुछ भी कर सकता है लोग रौरा एगो एक बगल के बानी मोहल्लेदार का को हमें मामला हमारे भी हस्बैंड को ले गए हैं हस्बैंड को ले गए हैं ले गए हैं कि नाम आया है थाना में काहे लिए कि दारू बेच रहे थे हम बोले ठीक है दारू बेच रहे के घर में इंक्वायरी कर लीजिए खोज लीजिए अगर मिल रहा है तो हम लोग को ले चलिए साथ में ऐसे ही शक के आधार पे सबको नहीं गिरफ्तार कर लीजिए पूरा मोहल्ले को उठा के ले गए आधा मोहल्ला को लेके हैं उठा के जैसे हाँ बच्चे हैं छोटे हैं अथी हैं सबको ले गए हैं तो वो तो ले गए पुलिस जैसन कहता है पुलिस एक मिनट पुलिस जैसन कहता है कि हम उठा के एक हथी ले गए बनी कि हमारे हथियार मिल जाए हथियार कहने का मतलब कि यहाँ जब लड़ाई हो रहा है तो वहाँ पे एक आदमी नहीं ना है कितने मोहल्ले के लोग हैं अब उसमें कौन लिया नहीं लिया हम लोग देखे नहीं ना है कि हम लोग कैसे सकार ले पुलिस कहता कि नौकरी चल जी हमारे ऐसे कैसे हथियार के साथ आदमी का जिंदगी बर्बाद हो रहा है वो नहीं हो रहा है उन लोग का हथियारे लौक रहा है हम लोग का आदमी कल रात से भूखे प्यासे हम लोग मर रहे हैं वो नहीं दिख रहा है उन लोग को है उसमें मार के टॉर्चर कर रहा है लोग सबको मारा हाँ मारा नहीं है जाके देखिए पहले वहाँ पर कैसा कैसा हाल हुआ है वो दोनों लेडीज को बुलाइए उन लोग का हाल देखिए कपड़ा खुलवा के लेडीज से क्या हाल किए लोग ऐसे नहीं प्रशासन गुंडागर्दी पे नहीं उतरता है प्रशासन प्रशासन वर्दी का इज्जत करे जब आम आदमी ऐसा अगर करने लगे तो गलत बात है हम लोग जाके वहाँ पर थाना पर हलचल मचा दे तो क्या होगा मोहल्ला के लोग क्या कहता रहो मोहल्ला के लोग खुद परेशान है वो तो हम लोग को चाह रहा है कि कोई दिशा नहीं बट रहा है कि वजह जाए हाँ मतलब कि पुलिसिया शराब के नाम पे पुलिसिया यहाँ पे कि शराब के सूचना माने आखिरकार ये पुलिस जब पहुँचल भी है तो कहीं ना कहीं पुलिस के केहू सूचना देले हो कि दारू बा चाहे दारू बेचाता चाहे दारू मिला नहीं ना मिला रहता तब ना डेढ़ दो बजे रात में कहता है दारू इसमें मिला है लैट्रीन में दारू कैसे मिल जाए उस वक्त नहीं कुछ मिला छान लिए ऊपर नीचे तो नहीं मिला बाद में दारू मिल रहा है बंदूक भुला गई तो अभी कुल खेल हाँ ये खुल खेल अब पूरे मोहल्ले में मतलब आए थे लोग तो एक लेडीज हैं उनको तबस्सुम उनको भी घींच के ले जा रहे थे दो को गाली उली दी हैं लेडीज पुलिस उनको भी घींच के ले जा रहे हैं हाथा बाही करके रोड पे से द्वार पे से रोड पे उतार दी यानी पूरा तांडव हुआ है जो नहीं होना चाहिए वो हुआ है मैंने तू बाची बताओ कि तू तो जगह पर रहो जब मारपीट होते रहे सिपाही के साथ तब रहो एगो चीज और बताओ कि जब इतना घटना दुर्घटना भइल बटुए तो ए ओजा जब मारपीट भी होत रहल अटुए तो एगो चीज तू बता दे कि तहरा का लागल हथियार कहाँ गिरल हो सके हथियार हमनी के नहीं जा देखले देखले रहती जा तो बोलती जा ना इतना पिटा के अती जा हमनी के लेके का करम जब कुल होता है तो वो सेफ्टी में रहता है हथियार मारे हमनी के लेके का करे के बा कुल वो कसकसा हो रहा था माने दोनों तरफ से मारपीट कर रहे हैं दोनों तरफ से और ना तो और प्रशासन लिया के कितना देर बाद दोबारा प्रशासन आए वह 20-25 मिनट में आ गए हाँ पूरा प्रशासन भर गया था पूरा गली वहाँ कलौती लॉज के पास तीन तीन को गाड़ी खड़ा था प्रशासन का गाड़ी में बैठा के ले जाने के लिए जीप में जिला के एसपी साहेब और मुख्यमंत्री ले का कहबो ये कहल चाहत नहीं हमनी के अन्याय दे बहुत हमनी के तो बहुत परेशान में बानी जब का कर सके ना हमनी के आदमी के तो जिंदगी रख कर ले हमनी के लेके का करम जब कुल हमनी के आदमी से बढ़ के नहीं के ना कुल बाहर सब भीड़ में गायब हुआ है हाँ भीड़ में पूरा भीड़ लगा था पूरा भीड़ ऐसा कोई ना आलम इतना जुटा होगा इतना गिनती नहीं आई कुछ बातचीत यही मोहल्ला के ये मोहल्ला क्यों ना है मैं अच्छा ये मोहल्ला के कोई नहीं खेल लोग जुटल बा ये बेचारी रो रो के न्याय के उम्मीद करता रही कि हमनी के परिवार का करी हथियार ये हथियार अब कहाँ के ले गए ये जांच के बिंदु बटुए ये लोग के कहना में बटुए कि हमनी के बंदूक से कोनो मतलब नहीं खे ये लोग के कहना में बटुए कि दारू के नाम पर पुलिसिया तांडव भइल बा रात के घर में सर्च कइल गइल बटुए एक गो रजाई तोशक तकिया सब उखाड़ के फेंक दिया गइल बटुए यहाँ तक कि ऊपर के दरवाजा भी तोड़ दिया गइल बटुए आ ऊपर से हमनी पे आरोप लगावल जाता कि बंदूक लेके फरार बा लोग आधा मोहल्ला के संभवतः बुलावल गए बटुए थाना पर पूछताछ खातिर ये बेचारी औरत कहती है कि हम रेंट पर बानी हमारे मर्दों के टांग के लेके चल गए लोग एगो और बाड़ी उनकर हस्बैंड के ले गए कि दारू बेचलन अब देखे के बटुए कि पुलिसिया कार्रवाई का होत बड़ुए हालांकि जिला के कप्तान नीरज कुमार सिंह पे सबके विश्वास रहेला अब यह बिंदु पर कितना उम्मीद जागता है न्याय मिलता है या फिर इस मामला के और तूल दिहल जाता है तो आवे वाला समय बताई भोजपुरिया समाचार से चंद्रशेखर सिंह की रिपोर्ट।